సరే ఇటు చూపించండి. కుడమ్మ కింద పెట్టుపాడు మొత్తం తీసుకురా కదా పోటీ పార్టీ మాత్రమే మొత్తం అరే కెమెరా జూమ్ చేయ. आज ईज़ोन टास्क फोर्स और ओयू सिटी पुलिस एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन में चार मेंबर गांजा स्मगलिंग गैंग को गिरफ्तार किया. इन लोगों के नाम पवन, नरेश, नरसया और श्रीनिवास. इन लोगों के पोजेशन में 420 किलो गांजा, 10,000 कैश, 3 फोर व्हीलर, एक टीवीएस अपाची बाइक जब्त किया गया. पूछताछ में ये मालूम हुआ कि पवन ने हैदराबाद में होटल मैनेजमेंट कोर्स पढ़ रहा है. नरेश, नरसया और श्रीनिवास ड्राइवर काम कर रहा. इन तीनों ने इससे पहले भी गांजा ट्रांसपोर्टिंग केसेस में जेल को जाके आया. नरेश और श्रीनिवास को संगारेड्डी पुलिस, नरसय को वैजाग पुलिस अरेस्ट किया. स्मगलिंग केस में किंग पिन है पवन. ये तीनों ड्राइवर्स कम ट्रांसपोर्टर्स को नागरा से मिलाया और कमीशन बेसिस में गांजा ट्रांसपोर्ट करने के लिए एग्री हुआ. नागराज ये तीनों से वैजाग से ज़्यादा क्वांटिटी में गांजा कैरियर गुड्स व्हीकिल से कम पैसे में एक केज 1500 रुपये मांगा के मुंबई, नांदेड़ और हैदराबाद में नीडी कस्टमर्स को 6,000 तक बेच रहा है. इन लोग गांजा ट्रांसपोर्टिंग में गुड्स कैरियर व्हीकिल्स यूज करा. पुलिस से एस्केप होने के गाड़ियों में एम्प्टी सरकारी ट्रेस भर के नीचे गांजा का थैली रखे ट्रांसपोर्ट करा. एक गाड़ी का ट्रक के नीचे डम्मी बॉडी बना के उसके अंदर गांजा लोड करके ट्रांसपोर्ट करा. ऐसा करने से देखने में एम्प्टी गाड़ी दिखता, लोगों को शक नहीं रहता, लेकिन अंदर गांजा का थैली रहता. पवन को पायलट के जैसा इस्तेमाल कर रहा. कितनी की रिकवरी हुई? 420 केजी गांजा, 11,10,000 कैश, 3 गाड़ियां और एक बाइक. प्रोफेशनल सेलर सेलर पहले भी कुछ केस थे, लोग तीनों भी पहले जा चुके हैं केस में. पहले नरेश और श्रीनिवास को संगारेड्डी पुलिस के अरेस्ट किया, नरसय्या वैजाग पुलिस के अरेस्ट किया.